नमस्कार दोस्तों, दिन भर के सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके सभी मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। पांचवें चरण की वोटिंग लगातार जारी है, बम्पर वोट यहां पर पड़ रहे हैं और इस बीच कई जगहों से चौंकाने वाली खबरें सामने निकल के आ रही हैं। जानेंगे जहां पर राहुल गांधी ने रायबरेली में खुद ही मोर्चा संभाला है, और वहीं आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे बेहद ही चौंकाने वाली खबरें आ रही है। मायावती ने ऐसा दावा कर दिया है पांचवें चरण में वोटिंग के बाद में कि भाजपा के अंदर हड़कंप मच गया है। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। खबरों में बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोग भी खुले तौर पर यहां पर तानाशाही, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ में मतदान कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर ही कीजिएगा। पहली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि यह चुनाव हो रहा है या फिर मजाक। रायबरेली में यहां पर सुबह से कई ईवीएम मशीनें खराब निकल चुकी हैं, इन्हें बदलवाया जा रहा है, इस वजह से कई जगह पर मतदान में देरी हो रही है। अमेठी में कई जगह पर मशीनें खराब निकलने की सूचनाएं मिली हैं। और वहीं बताते चलें, इन सभी खबरों के बीच में राहुल गांधी अपनी लोकसभा के बूथों का दौरा करने के लिए रायबरेली पहुंचे हैं। मतदान केंद्रों से ईवीएम में गड़बड़ी की कई कहते हैं सामने निकल के आई है, जिसके बाद में अब यहां पर राहुल गांधी ने खुद ही मोर्चा संभाला है। इससे पड़ोसी लोकसभा क्षेत्र अमेठी में भी कड़ा संदेश जाएगा। इसके साथ ही आप लोगों को यहां पर दोस्तों बताते चलें, ईवीएम मशीनें ठीक से काम ना करने की खबरों के बीच राहुल गांधी रायबरेली पहुंच गए हैं, मोर्चा संभाल लिया है। यहां पर दोस्तों आप लोगों को एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये भी बताते चलें कि रायबरेली में सुबह से अब तक 43 ईवीएम बदली जा चुकी हैं। चुनाव आयोग यहां पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है कि आखिर रायबरेली और अमेठी से ही ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं, लोगों का क्या कहना है। लोगों का तो यहां तक कहना है कि क्या सारी खराब ईवीएम यहां पर रायबरेली में ही भेज दी गई है। ये यहां पर दोस्तों मामला आया है जहां पर राहुल गांधी अब खुद ही पहुंच गए हैं। अगर आप लोग भी मानते हैं कि राहुल गांधी बंपर वोटों के साथ में रायबरेली से जीत रहे हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही सट्टा बाजार ने अचानक से आंकड़े पलट दिए हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, अभी तक जो सट्टा बाजार बीजेपी को एक तरफा जीत दे रहा था यूपी के अंदर, उसने अब आंकड़े पलट दिए हैं। बेहद ही ताजा आंकड़े सामने निकल के आ चुके हैं। यूपी के अंदर 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन की जबरदस्त लहर देखने को मिल रही है। 41 सीटों पर इंडिया गठबंधन बताया जा रहा है सट्टा बाजार के अनुसार, जबकि बीजेपी की सीटें जबरदस्त घटती हुई नजर आ रही हैं। 39 सीटों पर सट्टा बाजार ने यहां पर एनडीए को बताया है आगे, यानी कि यूपी के अंदर बीजेपी को बेहद ही बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अब की बार तो सट्टा बाजार ने भी अंधभक्तों को यहां पर पागल ही कर दिया है पूरी तरह से, क्योंकि देख सकते हैं जैसे कि फूलपुर और इलाहाबाद में यहां पर रैली हुई, उससे ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीन पर हवा किसकी चल रही है। आप लोग सट्टा बाजार के आंकड़ों से सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर ही बता सकते हैं, हाँ या ना में। और अगर सहमत है तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर ही दर्ज करवाइएगा। इसके साथ ही मायावती का बेहद ही बड़ा बयान, मुझे उम्मीद है इस बार सत्ता में बदलाव होगा, सत्ता परिवर्तन होकर के रहेगा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता चुप है और वह सब देख रही है। लखनऊ में वोट डालने के बाद बीएसपी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मीडिया के साथ में बातचीत में यह बड़ा दावा किया है कि इस बार सत्ता में बदलाव होगा, ऐसी उन्हें पूरी उम्मीद है। मायावती ने यह बड़ा बयान दिया है, केंद्र की सत्ता में हो रहा है बदलाव, इस बयान का साफ है संदेश, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एक तरह से मायावती ने अपने वोटरों को संकेत दे दिया है कि जहां जरूरी हो इंडिया गठबंधन को ही वोट करें, क्योंकि इंडिया गठबंधन मजबूती से बीजेपी का मुकाबला कर रहा है।
इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, आज पांचवें चरण का मतदान हो रहा है और इस बीच यहां पर इंडिया गठबंधन ने तो शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उद्धव ठाकरे के बयान से तो इस तरफ यहां पर इशारा मिल रहा है। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, मैं 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जरूर आमंत्रित करता हूँ। MBA महाराष्ट्र में 40 सीटें जीतेगा और यहाँ भाजपा का आया होने जा रहा है। ये उद्धव ठाकरे ने हुंकार भरी है दोस्तों। आज महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर वोटिंग हो रही है, ये अपडेट सामने निकल के आई है। जबरदस्त यहां पर कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है इंडिया गठबंधन के नेताओं का, क्योंकि जमीन पर माहौल बदल चुका है। बीजेपी नेताओं की नींदें उड़ी हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने निकल के आ चुका है, युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए मोदी जी का रिटायरमेंट बहुत ही जरूरी है, तभी युवाओं को रोजगार मिल सकता है। ये यहां पर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दे दिया है युवाओं को लेकर के। उनका कहना है कि 30 लाख सरकारी पदों को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के यहां पर 6 महीने के भीतर ही भर दिया जाएगा। जितने भी सरकारी पद खाली हैं उन सभी पर युवाओं को भर्ती दी जाएगी, वो भी पक्की। ये यहां पर राहुल गांधी ने दावा किया है और गारंटी भी दी है। प्रियंका गांधी का वोटिंग के बीच में बेहद ही बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका गांधी बोली, आपका एक वोट देश को महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से मुक्ति दिलाएगा। जानकारी के लिए आप लोगों को बताते चले, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हो रहे पांचवें चरण के लिए 49 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस बीच कांग्रेस की यहां पर महासचिव प्रियंका गांधी ने लोगों से अपील की है और कहा है कि आपके वोट से गरीब परिवार की महिला के खाते में सालाना 1 लाख रुपए आएंगे, हर नागरिक को 25 लाख के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी, युवाओं को सालाना 1 लाख की अप्रेंटिसशिप मिलेगी, SC ST OBC को उचित भागीदारी मिलेगी। आपका एक वोट देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेगा, इसलिए सभी देशवासियों से उन्होंने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। आपका एक वोट देश को महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से मुक्ति दिलाएगा और देश को मजबूत करेगा। ये यहां पर देश की जनता से प्रियंका गांधी ने अपील की है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को यहां पर बताते चलें, राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चलें, राहुल गांधी बोले, बीजेपी उत्तर प्रदेश में सिर्फ क्योटो की सीट ही जीत रही है, बाकी सीटों पर बीजेपी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। ये यहां पर राहुल गांधी ने बयान दिया है। ऐसा ही बयान पहले अखिलेश यादव भी दे चुके हैं और इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही हर गरीब महिला के खाते में यहां पर 1 लाख रुपए भेजे जाएंगे, हर परिवार की एक गरीब महिला के खाते में। ये राहुल गांधी ने अपनी गारंटी को एक बार फिर से दोहराया है। समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर ना है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।